Chappelle Cut. Kids, ये हमारा थर्ड क्लास का हिंदी का सेशन है. ये आपको मैं आपकी जो बुक है हिंदी की उसका कवर पेज दिखा रही हूँ. ये बुक स्कूल में अवेलेबल है. आप स्कूल से आकर बुक रिसीव कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स. आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर है, मतलब पहला पार्ट है हिंदी का, हर चुनौती को संभालें. अभी क्या आप सुंदर वन को पहचानते हैं? हर व्यक्ति के कार्यों में झलकता है. आप ये पिक्चर को देखिए पहले कि इसमें क्या, मतलब ये जो भी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं. देखिए आपको दो बच्चे दिखाई दे रहे हैं जो पक्षियों को दाना डाल रहे हैं. ठीक है, नीचे पे देखिए आप एक आदमी दिखाई दे रहा है आपको, वो पक्षियों को पिंजरे में से उड़ा रहा है. ठीक है, ठीक है. तो जो स्टोरी है वो हम पढ़ेंगे. जीवन में सच्चाई से आगे बढ़ने पर हर कांटा स्टार्ट. जीवन में सच्चाई से आगे बढ़ने पर हर कांटा फूल बन जाता है, इस कविता में इसी बात को कहा गया है. चलिए स्टूडेंट्स हम कविता पढ़ते हैं. शक्ति साहस से भरा हो मन मेरा पावन पुनित, नित नया उल्लास पाए गाएं हम खुशियों के गीत. मतलब जो हमारा मन है वो किससे भरा हो? शक्ति से, साहस से भरा हो. हमारा मन पावन हो, पुनित हो और उसमें उल्लास हो, किसी भी काम को करने का उत्साह हो और हम कैसे गीत गाएं? खुशियों के गीत गाएं. दया करुणा हो संगी साथी, मतलब दया और करुणा हमारे साथी हो. सत्य से गहरी हो प्रीत, हमारी जो दोस्ती है वो किससे हो? सत्य से हो और बहुत ही गहरी हो. तोड़ दे शत्रु का चक्र हम, जो हमारे आसपास शत्रु होते हैं जो हमें घेरे रहते हैं उस चक्र को हम तोड़ सके. जो चले हम पर विपरीत, जो हमारा बुरा चाहते हैं या जो हमारे काम को विपरीत लेते हैं या उसके विपरीत बोलते हैं उसका हम हर चक्र तोड़ दें. दुष्ट ईर्ष्या करने वाले चाहे कितने विघ्न डाले, हम चुनौती को संभाले पथ प्रकाशित करे उजाले. मतलब हमें जो हमसे दुष्ट लोग हैं, ईर्ष्या करते हैं, विघ्न डालते हैं, तो हमें हर चुनौती को संभालना है और आगे अपना रास्ते में चलते जाना है. पाप ही जाए लक्ष्य अपना जो निरंतर चलता जाए, आओ संतों गुरुजनों की सीख सब मिल आजमाए. मतलब हम अगर निरंतर चलते रहेंगे तो एक ना एक दिन हम अपना लक्ष्य पा ही लेंगे और हमें अपने संतों और गुरुजनों की जो सीख है हम उसको आजमाएंगे. जो ये इसके राइटर, इनका नाम क्या है? डॉक्टर गीता रानी. इससे रिलेटेड सारी जो ये एक्सरसाइज आपको दिखाई दे रही है, ये विद आंसर्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल हो जाएगी. इस चैप्टर के बाद में आपको ये सारे जो आपके शब्दार्थ दिख रहे हैं ये भी राइट डाउन करने हैं. ओके, और ये सारे आपको जितने भी हैं, ये जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके, ये ग्रामर पोर्शन है, ये सब विद आंसर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल हो जाएगा. ओके, थैंक यू.